हेलो, कैसे हो दोस्तों? हम आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी चेतावनी जाहिर करना चाहता हूं कि आज जो हमारे साथ वाक्या हुआ उसके बारे में। दोस्तों हमारे पास दिन में 4 बजे के आसपास जब मैं मंडी दुकान पे आया हुआ था तो हमारे पास एक वीडियो व्हाट्सएप आई और वो नंबर भी अलग तरह का ही नंबर था, जैसा कि कंपनियों के नंबर होते हैं ऐसे ही। मैं भनक तो पहले ही लगी थी दोस्तों कि क्या नंबर को देखकर ही कुछ न कुछ गड़बड़ी है। उसकी वीडियो के अंदर अमिताभ बच्चन का जो शो होता था पहले KBC कौन बनेगा करोड़पति, उसका उसके ऊपर थंबनेल लगा रखा और उसमें वीडियो के अंदर बोला गया कि हमें 250 प्रतिभागी चुने किए थे हरियाणा से और उन 250 में आपका नंबर भी आ था और आप बहुत ही भाग्यशाली है, आप 1 करोड़ रुपया जीत चुके हैं। दोस्तों हम तो जहाँ भी मौका मिलता है दूसरों की कमियों के कारण ही सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको थोड़ा सुधार करें। उन्हें मुझे लिंक पर जाने के लिए बोला कि इस लिंक पर जाए और आधार कार्ड अपना लिंक करें, उसके बारे में बताया। दोस्तों आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी ठगावगी हो रही है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, सोशल मीडिया में भी वैसे भी। लेकिन मैं कहता हूँ ये ठगावगी करने वाले इंसान कभी भी जीवन में कुछ ज़्यादा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। मानता हूँ कि भोली वाली जनता को ये लूटते हैं, यानी कि ये पढ़े लिखे लोगों के भी कान कतर देते हैं, इतने चापलूस लोग होते हैं ये, अपनी बातों में उलझाकर अपने षड्यंत्रों में उलझलाकर। दोस्तों मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी जहाँ लालच कुछ ज़्यादा दिखे, भाई यहाँ कुछ नू करोड़पति बन गए या कोर से, बहुत से माध्यम होते हैं, कभी बैंकों के ATM के माध्यम से या कभी आधार कार्ड वेरीफाई कराने के माध्यम से। अब तो इतने शातिर हो चुके हैं कि गांवों में आकर बोला कृषि कार्ड वेरीफिकेशन करा और करा, ये इस तरह के बहुत से षड्यंत्र अपनाते हैं। इनसे सावधान रहे और किसी को अपना OTP या आधार कार्ड ऐसे बिना जान पहचान के ना दे दोस्तों, क्योंकि हमारी जो खून पसीने की कमाई होती है ये हमारे खातों, आधार कार्ड आज के दिन सभी से लिंक है खातों से, और ये हमारी जो कमाई होती है उसे हड़प लेते हैं, इनका कोई अता पता भी नहीं होता। इसलिए आप सब कृपा करें लालच में ना आए। जय हिंद दोस्तों, आप सब खुशल मंगल रहे और आप सब सुरक्षित रहे। जय हिंद।